तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है मेरे R15 V3 के ऊपर, जो मेरे को जो कुछ काम मैंने किया था और जो कुछ करना है अभी भी उसमें, तो सभी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ। तो गाइज, मैंने किया था ये नंबर प्लेट को इधर कर दिया था इधर से, और ये वाला विंगलेट इसको मेरे को चेंज करना है, ये ब्लू कलर का लगाना है। और ये वाला, ये डबल बबल विंग शील्ड है तो इसको चेंज करके मुझे सिंगल बबल विंग शील्ड बनाना है इसमें। और मैंने पहले सोचा था कि ये जो ये मिरर है इसको चेंज करके इंडिकेटर वाला मिरर लगाऊंगा, बट अभी मेरे को लग रहा है नहीं, हर जगह लाइट लाइट हो जाएगा, पसंद नहीं आएगा। उसके बाद इधर में फेम स्लाइडर भी लगाना है, ये जो इंडिकेटर है इसका बॉडी इंडिकेटर लगाना है। और ये जो ब्लू कलर का ये इंडिकेटर है ना छोटा, आपको बताता हूँ एक मिनट, ये जो ब्लू कलर का इंडिकेटर है इसको चेंज करके DRL इंडिकेटर लगाना है। तो इसे पहले बंद कर लेता हूँ। तो अभी इसका टेल ID तो हटा दिया, तो यही बस। उसके बाद और भी करना है, ये जो ये वाला देख रहे हैं ना आप, इसे फिन फिनाइडर बोलते हैं, तो इसको भी चेंज करके बड़ा वाला लगाना है, नहीं तो इधर सॉकर में ये गंदगी जा रहा था। और भी सारे छोटा मोटा कुछ करना है, इधर में लीवर गड लगाना है, और सबसे मेन बात इधर में जो DRL आता है ना, ये DRL लगाना है मेरे को ब्लू कलर का। और भी बहुत कुछ करना है, बट पहले मैं कल जाता हूँ कोलकाता के चांदनी मार्केट पर, जाके देखता हूँ उधर में क्या क्या मिलता है, वो भी चोर बाजार है अपना कोलकाता का। तो कल अपन कोलकाता में जाएंगे, उसके बाद सब कुछ इंस्टॉल करने का आपको प्रोसेस दिखाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय।